हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं सरोजिनी नगर मार्केट, जो कि दिल्ली में है। और एंट्रेंस पे ही आपको इयर रिंग का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पर सामान मिलेगा। यहाँ पर आपको टॉप्स मिल जाएंगे 50 रुपीज़ में। काफ़ी सारे आपको यहाँ पर स्टॉल मिल जाएंगे टॉप्स के और भी ड्रेसेस के, और 50 से स्टार्टिंग होती है। ये 20 के स्टॉल भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर काफ़ी चाटना पड़ता है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक आंटी ने इयररिंग लगा रखे थे 25 के 1, 50 के 2, इस टाइप से। और नेक्स्ट, काफ़ी सारी ड्रेसेस आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। आपको काफ़ी सारा मेकअप कलेक्शन मिल जाएगा, जो कि 5 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और हाईएस्ट यहाँ पे 50 रुपीज़ होता है। कुछ भी आप मेकअप में लीजिए, 50 रुपीज़ होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे कड़ा अवेलेबल थे, जो कि 50 रुपीज़ में थे, और ये भी काफ़ी ठीक ठाक डिज़ाइन थे, तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत कुछ देखना पड़ता है। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जगह जगह सेल देख रही होगी, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 200, 250 टाइप की सेल लगी होती है। आपको जगह जगह पर सेल मिल जाएगी। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप संडे को ना जाएं, क्योंकि हम संडे को गए थे और बहुत रश होता है संडे को। तो आप वीक डेज में जाएँ, और आपको यहाँ पर हर टाइप की ड्रेस मिलेगी, जो कि ट्रेंडी ड्रेसेस होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 के टॉप्स लगे हुए हैं, तो आपको हर टाइप के यहाँ पे टॉप्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट और शरारा टाइप का, ये 200 की रेंज में था। तो आप इस तरह के ड्रेसेस भी देख सकते हैं। तो आपको हर टाइप के ड्रेस का कलेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। प्राइस भी आपको ठीक ठाक मिलेंगे। यहाँ पर ये बच्चों के स्वेटर्स हैं 100 रुपीज़ में। तो बेबी कलेक्शन भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा। मोस्टली आपको यहाँ पर गर्ल्स का स्टफ़ देखने को मिलेगा। ये देखिए, बेबी गर्ल के लिए फ्रॉक है। डेनिम्स में भी आपको काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। तो आपको हर टाइप का कलेक्शन यहाँ पर मिलेगा। ये मार्केट काफ़ी बड़ी है, तो इस एक वीडियो में मैं आपको पूरी मार्केट घुमाऊँगी, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है। बट एंड तक देखिएगा, आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे। इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाती है, इनके प्राइस डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पर आपको नोज पिन मिल जाएगी, इयररिंग मिल जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छे नोज पिन्स थे, आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी वेराइटी और काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे। उसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं था, 30 रुपीज़ के थे। तो आप यहां से ट्रेंडी नोज पिन डिज़ाइंस चूज़ कर सकते हैं। इस तरह के नोज पिन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, और आपको यहां पर डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी वैरायटी भी देखने को मिलेगी। तो आप चाहें तो यहां से नोज पिन बाय कर सकते हैं, इयररिंग भी बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इयररिंग का कलेक्शन भी था, और 30 रुपीज़ में आपको काफ़ी अच्छे इयररिंग डिज़ाइंस यहाँ पर मिल रहे थे। तो आपको ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी ट्रेंडी ज्वेलरीज यहाँ पर इस मार्केट में मिल जाएगी। ये देखिए, इस तरह के इयररिंग्स भी थे। तो हर टाइप का डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिलेगा, और कलेक्शन आपको हर टाइप का मिलेगा, और रेंज भी आपको हर टाइप की मिलेगी। 50 की भी मिलेगी, 100 की, 150, 200, 250, तो हर टाइप का रेंज है। बस 50, 100 वाली रेंज में आपको अच्छे से देखना होगा। देखिए, इस तरह के आपको टॉप्स मिल जाएंगे। टॉप्स का तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन आपको मिल जाएगा। आर्टिफिशियल फ्लावर्स, प्लांट्स भी मिल जाएंगे आपको इस तरह के, तो आप ये भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर टाइप की शॉप मिल जाएगी। इस तरह के प्लांट भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। आपको यहाँ पर जीन्स भी मिल जाएगी 200 रुपीज़ में, और इस तरह के वाइट शर्ट का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा लगा हुआ था। बहुत सारी जगह पर अभी से विंटर कलेक्शन भी लगा हुआ था, तो आप देख सकते हैं काफ़ी विंटर कलेक्शन भी लगा हुआ है। तो आप अगर अभी जाएंगे तो आपको विंटर कलेक्शन भी देखने को मिलेगा, और ये 100 रुपीज़ में टॉप्स हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कुर्तों का कलेक्शन था, और कुर्तीज़ यहाँ पे 350 रुपीज़ में थी, और इनके डिज़ाइंस आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह के डिज़ाइन थे। नेक्स्ट, यहाँ पर 100 रुपीज़ के टॉप्स थे, 150 रुपीज़ एंड देन 20 रुपीज़ के जो टॉप्स होते हैं वहाँ उसमें आपको काफ़ी चाटना पड़ता है, तो आपको पेशेंसली काफ़ी उसमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर काफ़ी क्यूट टैडी बैग थे, तो आप इस तरह के बैग ले सकते हैं। काफ़ी ट्रेंडी पर्स डिज़ाइंस भी थे 300 में,
और सबके प्राइस डिफरेंट थे, मोस्टली 300 के अंडर ही थे। तो आप इस तरह के ट्रेंडी बैग्स भी यहाँ से ले सकते हैं। तो गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी मार्केट है, गर्ल्स के लिए जितना भी न्यू फैशन होता है, जितना भी ट्रेंडी आइटम्स होता है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो गर्ल्स को एक बार ज़रूर विज़िट करनी चाहिए ये मार्केट, और काफ़ी सस्ती मार्केट भी है, तो सब कुछ बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। और जो ज्वेलरीज आजकल ट्रेंड कर रही हैं, चोकर इस तरह के सिल्वर जो नेकलेस होते हैं, वो भी आपको 100 रुपीज़ में ईज़िली मिल जाते हैं, और डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं हर टाइप का डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप ट्रेंडी आइटम्स चाहते हैं और कुछ न्यू ज्वेलरीज, न्यू कलेक्शन चाहते हैं, जो भी आजकल न्यू फैशन में है, तो आपको सब कुछ इस मार्केट में मिलेगा। तो गर्ल्स के लिए तो बेस्ट है, बस इस मार्केट में जाओ, उनको सब कुछ मिल जाएगा, ज्वेलरीज, टॉप्स, ड्रेसेस, इयररिंग्स, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस मार्केट। बस आप संडे को अवॉइड करना कि आप संडे को ना जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश मिलेगा और आप इतने अच्छे से देख नहीं पाएंगे। तो आप किसी वीकडे में जाएं तो आप अच्छे से मार्केट को विज़िट कर पाएंगे। काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा विज़िट करने में, और आप अपने साथ एक कैरी बैग भी लेकर जाएं, क्योंकि वो छोटी छोटी पॉलीथीन्स में आपको पैक करके देते हैं, तो आपको एक बड़ा सा पॉली बैग रखना चाहिए, ताकि आप अपना सामान एक जगह अच्छे से रख पाएँ। और आप यहाँ देख सकते हैं 50 की सेल, तो आपको बहुत जगह 50-100 के टॉप्स की सेल तो बहुत जगह अवेलेबल होगी, तो आप वहाँ पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। और इस तरह के आप विंड चाइम्स भी बाई कर सकते हैं 200 रुपीज़ में। एक भैया यहाँ पर विंड चाइम्स बेच रहे थे, और कुछ इस टाइप के डिज़ाइन थे इनके पास। नेक्स्ट यहाँ पर ड्रेसेस अवेलेबल थी 250 रुपीज़ में, आपको 250-300 में यहाँ पर ड्रेसेस भी मिल जाएंगी। अगर आप फैशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, तो उस टाइप की आपको ड्रेसेस इस मार्केट में ईजिली अवेलेबल होंगी, और कलेक्शन आप देख ही रहे हैं। आपको यहाँ पर फुटवेयर कलेक्शन भी मिल जाएगा 250 की रेंज में, और ये डिज़ाइन कुछ नया आया था मार्केट में, आप देख सकते हैं इस तरह के डिज़ाइन, इसका कलर भी काफ़ी प्यारा था। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कुर्ता प्लाज़ो सेट मिल रहा था 300 रुपीज़ में। तो आप इस तरह का अगर सेट चाहते हैं, तो आपको 300 रुपीज़ में पूरा सेट मिल जाएगा। यहाँ पर भी कुर्ती थे 350 रुपीज़ में, और इनके डिज़ाइन कुछ इस तरह के थे, और कुछ डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे थे। तो अगर आपको कुर्ती चाहिए, तो आप यहाँ से कुर्ती कर सकते हैं। मोस्टली ड्रेसेस अवेलेबल होती हैं, बट कुछ जगह पर आपको कुर्ती भी मिल जाएंगी, एंड शॉप्स भी होती हैं, वहाँ से आप सूट ड्रेसेस बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर 100 रुपीज़ में बैंगल्स बिक रहे थे, यहाँ पे आर्टिफिशियल बैंगल्स थे, तो आप इस तरह के बैंगल्स अगर बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे। देन मैंने आपको बताया 50-100 रुपीज़ के, तो स्टॉल्स आपको बहुत सारे मिलने वाले, और कुछ डिज़ाइंस इसमें आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और कोई भी ऐसा स्टफ़ या कोई भी ऐसा आइटम नहीं है गर्ल्स के लिए, जो कि यहाँ पर ना मिलता हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको पूरी मार्केट एक ही वीडियो में देखने को मिलने वाली है, और आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कि आपको इस मार्केट को विज़िट करना चाहिए या नहीं, आपको किस तरह का स्टफ़ चाहिए और यहाँ पर किस तरह का स्टफ़ मिलता है। तो आपको सब कुछ एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो गई है, बट आपको सब कुछ डिटेल में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको गिफ्ट आइटम्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पर कप भी बिक रहे थे, प्लेट्स, काफ़ी कुछ अवेलेबल था, और कप्स के डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक थे, डिफरेंट थे। 100 रुपीज़ में पूरा सेट था, 6 कप का 100 रुपीज़ का सेट था, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और भी आइटम्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला येलो कलर वाला कप डिज़ाइन देखिए, काफ़ी प्यारा था। इस तरह के गिफ्ट आइटम्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे, देखिए कितने प्यारे गिफ्ट आइटम्स हैं, और ये 50 रुपीज़ में अवेलेबल था। तो रेंज तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है, और अगर आपको स्कार्फ चाहिए, तो यहाँ पर 80 रुपीज़ में स्कार्फ अवेलेबल थे, 150 में टू, एंड अगर आप सिंगल लेते हैं तो 80 रुपीज़ में थे। और डिज़ाइंस आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह के डिज़ाइंस थे,
और इसमें भी आपको डिज़ाइन देखने पड़ेंगे, हर टाइप के डिज़ाइन होते हैं। बट स्कार्फ काफ़ी अच्छे थे और डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे लगे, तो आप यहाँ से स्कार्फ बाय कर सकते हैं। और एक जगह पर एक और स्कार्फ का स्टॉल लगा हुआ था, बट वहाँ पर 60 रुपीज़ में थे, बट डिज़ाइन थोड़े अलग थे, तो आप देख सकते हैं 60 की रेंज में भी आपको स्कार्फ मिल जाएंगे। और यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस लगे थे और काफ़ी अच्छी वैरायटी भी थी। नेक्स्ट यहाँ पर नेल पेंट बिक रहे थे 20 रुपीज़ में, और बाकी जितना भी मेकअप आइटम्स था 50 रुपीज़ में। आप कुछ भी लीजिए, आईलाइनर, काजल, आई शेडो, एनीथिंग, आप मेकअप में कुछ भी बाय करते हैं तो आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ में अवेलेबल होगा। और नेल पेंट में भी दो रेंज थी, 20 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़, तो आप दोनों रेंज में नेल पेंट देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह के स्कर्ट लगे हुए थे, और आपको पटरी पर भी काफ़ी सारा सामान लगा हुआ मिल जाएगा, नेल पेंट, नेकलेस, चोकर, इस टाइप के आइटम्स। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि मार्केट बहुत बड़ी है, तो आपको हर टाइप का आइटम मिलेगा यहाँ पर। लोअर्स मिल जाएंगे, पैंट, टॉप्स, एवरीथिंग। और बॉयज़ का आइटम बहुत कम मिलता है, बॉयज़ के लिए टॉप्स, बेल्ट, इस तरह के ही आइटम आपको देखने को मिलेंगे। मोस्टली गर्ल्स के लिए ही यहाँ पर स्टफ़ देखने को मिलता है। और यहाँ पर नीचे ये टावल लगा रखे थे, और 50 रुपीज़ में टावल थे, तो आप देख सकते हैं ठीक ठाक टावल थे। और यहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे टॉप्स के, और यहाँ पर लोवर थे, तो आप हर टाइप का डिज़ाइन यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे पर्स डिज़ाइंस थे, तो अगर आप इस तरह का हैंडबैग कैरी करते हैं तो इस तरह के काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे। वैरायटी भी काफ़ी अच्छी थी और प्राइस भी काफ़ी अच्छा था, सिर्फ 100 रुपीज़। और फुटवेयर देखिए, यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप के डिज़ाइंस हैं, एंड ये भी 250 रुपीज़ में, और ये भी ठीक ठाक चल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बेल्ट कलेक्शन भी आपको मिल जाएगा, बैंगल्स मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती हैं वो मिल जाएगी, आर्टिफिशियल मंगलसूत्र, कड़े, इयररिंग। और इनके प्राइस रेंज जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसलिए मैंने प्राइस मेंशन नहीं किए हैं। और कड़ा आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा, ये 180 में इयररिंग था, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा मुझे। और जगह जगह पर आपको जीन्स मिल जाएगी, और 200 के प्राइस में जीन्स होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 50 की रेंज में शर्ट है, तो अगर आप शर्ट्स देखना चाहते हैं तो 50 की रेंज में आपको शर्ट्स के डिज़ाइंस भी देखने को मिल जाएंगे। और कलर्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल थे, डिज़ाइंस भी काफ़ी सारे अवेलेबल थे। बस यही है कि आपको पेशेंसली इसमें ढूंढना पड़ता है, और अच्छे से आपको अपने स्टफ़ को चेक करना होता है। और यहाँ पर आपको पैंट्स भी मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, जितने भी ड्रेसेस इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करती हूँ उसकी आपको आई थिंक कॉपी यहाँ पर मिलती है, तो वो आप देख सकते हैं। और 50-100 रुपीज़ में आपको काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस मिल जाते हैं, बस आपको वहाँ पर छाँटना पड़ता है। और फुटवेयर की रेंज नॉर्मली हर जगह 250 रुपीज़ ही थी, तो अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेल आप देख सकते हैं, 150-250, इसी टाइप की सेल आपको पूरी मार्केट में देखने को मिलेगी। आपको जूती भी मिल जाएगी, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक कंप्लीट मार्केट है गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स को यहाँ पर जाकर एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए, वो काफ़ी इन्जॉय करेंगी। और यहाँ पर आपको सारा इसी टाइप का कलेक्शन मिलने वाला है, बट यहाँ पर शॉप्स भी होती हैं, तो आप शॉप्स भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी अच्छे आइटम्स मिल जाएंगे। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक बार सरोजनी ज़रूर विज़िट करिएगा, और अगर आप दिल्ली में नहीं भी रहते हैं तो भी अगर आप दिल्ली आएँ तो इस मार्केट को ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। काफ़ी सारी जगह पर आपको टैडी भी मिल जाएंगे, टैडी के प्राइस आई थिंक 100 रुपीज़ थे, तो आप 100 रुपीज़ में आपसे टैडी ले सकते हैं।
और सूट भी मिलते हैं दोस्तों, शॉप्स में मिलते हैं। अगर आपको सूट लेने हैं तो आपको शॉप्स में जाना पड़ेगा, और अच्छी वैरायटी होती है उसकी भी। अभी मैंने शॉप्स नहीं दिखाई हैं क्योंकि मेन सरोजनी यही होता है, और मोस्टली आपको यहीं पर रश देखने को मिलेगा। और संडे को मत जाइएगा, अगर संडे को जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रश मिलने वाला है और आप अच्छे से शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको कलेक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरी सदर मार्केट वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत अच्छा कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही सस्ता सामान मिलता है सदर में, तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वाले बैग डिज़ाइन देखिए, बहुत ही प्रिटी डिज़ाइंस थे ये, और इनका प्राइस था 500 रुपीज़। और यहाँ पर इयररिंग्स अवेलेबल थे, इनकी प्राइस रेंज थोड़ी सी ज़्यादा थी। और अब हम बाहर की तरफ आ रहे हैं, हमारी मार्केट टूर एक तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो आप जब भी जाइएगा थोड़ा सा टाइम निकाल के जाइएगा, क्योंकि मार्केट में आपको 2-3 घंटे लगने वाले हैं पूरी मार्केट विज़िट करने में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे गिफ्ट आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा था आपको टैडी भी मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह के टैडी मिल जाएंगे। और ऊपर जाकर भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, और गिफ्ट आइटम्स, वॉचेस, एवरीथिंग, सब कुछ अवेलेबल है। तो एक ही मार्केट में गर्ल्स के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है और सब कुछ ट्रेंडी है। सो आई होप गर्ल्स को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।